बाय बोलो। की बकरी ने कब दिए? इसकी खेती ज्यादा होती है, गेहूँ साथ में होता। Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows, feel the wind rush through, hear the music, take the groove. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend we're shy, let's forget the 9 to 5. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो मैं पिछले एक महीने से प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर हूँ और मैंने अभी तक यहाँ के गांव नहीं देखे भाई, कि यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है, प्लस उनका रहन सहन कैसा है। अब मैंने कुछ विलेज के वीडियो बनाए थे पीछे में उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब मैं हूँ पूरब में, इसे विंध्याचल भी बोलते हैं, और मध्य प्रदेश यहाँ से करीब में ही है, एकदम मध्य प्रदेश की सीमा लग जाती है। तो आज चलते हैं देखने के लिए यहाँ के जो आसपास के गांव हैं और क्षेत्र हैं, उनमें लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह की मतलब खेती करते हैं, क्या क्या अपनी ज़मीन में बोते हैं और किसानी करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। ये देख सकते हैं आप, ये है जमुना का पुल और ये पुराना पुल है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। एक पुल और है इधर, नैनी ब्रिज, वो नया ब्रिज है। और ये खादर एरिया है, मतलब यहाँ तक बहती है धारा जमुना की। और मैं आपको दिखाता हूँ पीछे ये पुल, ये रहा देखिए, वो पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज वो। तो चलते हैं आज गांव में घूमने के लिए भाई, यहाँ के गांव किस तरह के हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी ये पार, जमुना पार करनी होगी सबसे पहले। अक्सर आपने सुना होगा लिट्टी चोखा खाएंगे बिहार में बस जाएंगे, तो भाई ये रही लिट्टी और इसके साथ में सब्जी होती है आलू की, उसे बोलते हैं चोखा। ये मेरे पीछे भाई पैक करते हुए, ये देखिए लिट्टी और चोखे की दुकान है, ये यहाँ पर मिलती है लिट्टी और चोखा। इस तरह की होती है लिट्टी चोखा। कैसा अम्मा टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है? सही, बढ़िया है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है खाने में, ठीक है खाओ। ये डिश कहाँ की है? ये बिहार। अच्छा, पूरे बिहार में चलती है ये लिट्टी चोखा, के नाम से फेमस है बिहार में। लिट्टी चोखा खाएंगे नेपाल में या बिहार में बस जाएंगे, ठीक है। पाँच किलोमीटर स्कूटी चला ली, लेकिन अर्बन एरिया खत्म ही नहीं हो रहा यार, अभी तक अर्बन ही एरिया है, बस इधर ही नजर आ रही है विलेज, पता नहीं कितनी देर बाद आएगा। इन लकड़ियों का क्या करोगे? जलाओगे घर पे? अच्छा, खाना बनाती हो इनसे और तापोगे बस। 7-8 किलोमीटर चलने के बाद कुछ ऐसा एरिया दिखाई दिया जहाँ पर थोड़े उपले और खेत वगैरह दिखाई दिए। तो मैं पहले आपको उपले दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह के उपले होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो उपले होते हैं वो ऐसे होते हैं, अपनी साइड होते हैं गोल उपले एकदम, लेकिन यहाँ पर जो है सैंडविच की तरह होते हैं उपले, जैसे सैंडविच होता है ना उस तरह से। ये देखिए हाफ ये, और जितने भी उपले हैं यहाँ पर सब उसी तरह के हैं, मतलब हाफ उसमें थुपे हुए आधे उसमें। यहाँ पर गोल उपले नहीं पाते? नहीं पाते। इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी ऊपरी बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर दादाजी किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है इलाहाबाद के आसपास के जो एरिए प्रयागराज के? नहीं मतलब सरसों की होती है और उसके अलावा? उसके अलावा फूल कुछ बोलिए। फूल काय का फूल? गेंदा, गेंदा के फूल और सरसों। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था आपसे एक महीना पहले, तो उस जगह पे मैंने अंडा बल्ला खेले खोते हुए देखा और वो पूरब में भी हो रहा है भाई, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अंडा बल्ला पश्चिम में भी हो रहा था। जो वीडियो बनाया था मैंने बताया था मेरठ के आसपास के एरिया हैं, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर, और ये प्रयागराज इलाहाबाद, और थोड़ी सी आगे जाने के बाद 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश लग जाता है। तो यहाँ पर भी ये खेल चल रहा है और यहाँ आपको सब भाई खेती दिखाई देगी लेटे की, सरसों की, और यहाँ पर जो है लोग ओरिजिनल सरसों खाते हैं भाई, जैसे हम अपनी साइड रिफाइंड और बहुत सारे ऑयल खाते हैं ना, मतलब खानों में जिनसे खाना बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या देखा है भाई, सरसों का तेल जो है वो दुकान पर भी बिकता है, प्लस सरसों के तेल में ही खाना बनता है ज़्यादातर लोगों को। कब दिए ये बकरी ने? कब दिए? 3-4 दिन पहले। अच्छा, कौन सी बकरी ने? बकरी तो आई वाली है, इसका बच्चा। अच्छा, तो इस बकरे के 25,000 रुपए हैं? 25,000 का है ये?
तो एक गांव के अंदर एंट्री की है। गांव तो काफ़ी डेवलप है, ये आप देख सकते हैं मोमोज वगैरह सब बिकते हुए। और चाचा बताएंगे हमें यहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है। हाँ, यहाँ आसपास के क्षेत्रों में किस चीज़ की खेती होती है? ये पहली बार तो सरसों। सरसों, अच्छा, सबसे ज्यादा सरसों। हाँ। उसके बाद गेहूं, और गेहूं साथ में होता है। हाँ। सरसों का और अरहर भी होता है, और यहाँ धान भी होता है। धान भी होता है। हाँ। अच्छा, बस ये होती है, सबसे ज्यादा सरसों की होती है। हाँ, सरसों की। बाकी सब्जी वगैरह नहीं चलती यहाँ पर? लगाते हैं पटेल लोग, लगाते हैं। अच्छा, सब्जी लगाते हैं पटेल लोग। क्या नाम है इस गाँव का? गाँव का पालपुर बगिया है। कच्चे घर, खपरेल वाले घर, ये आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे आजकल गांवों में, ख़त्म ही हो गए हैं, वरना सब लोग आजकल पक्का ही घर बना लेते हैं। प्रयागराज के क्षेत्र में गांव घूमते हुए पूरे 30 मिनट हो गए, और ज़्यादातर जो मैंने खेत देखे वो देखे ये लेटे के, सरसों के। और सरसों की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है, और उसके बाद जो खेती होती है यहाँ पर वो होती है इसकी, ये रहे देखिए, गेंदे की खेती, यानी गेंदे के जो फूल होते हैं ना, तो उसकी खेती होती है यहाँ पे ज़्यादातर। वो इसलिए होती है क्योंकि ये संगम नगरी है, तो यहाँ पर नदियों का मिलन होता है, तो बहुत सारी जगहों पे, मंदिरों पे, टेंपलों पे यहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं गेंदे के, तो उसकी मालाएं बन बन के बिकती हैं। तो मैंने बहुत जगह देखी मालाएं बिकती हुई यहाँ पर, जैसे जब पुल पार किया जमुना का, तो वहाँ पर भी मालाएं बिक रही थी गेंदे के फूलों की। तो माला बिकती है भाई 20 रुपये की, 25 रुपये की, 30 रुपये की, तो इसलिए अच्छा प्रॉफिट है। और तीसरे नंबर पर मैंने गाँव में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों को बीड़ी बनाते हुए देखा, और गांव में लगभग ज़्यादातर 80% औरतें जो हैं वो बीड़ी ही बना रही हैं इस गांव के अंदर। और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखा मैंने बकरी पालन और मुर्गी पालन है इस गांव के अंदर। और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये रही भट्टे की चिमली, मतलब ईंटें भी बन रही हैं यहाँ पर, भट्टा है ये, देखिए पीछे की तरफ भट्टे पर काम भी चल रहा है, मतलब ईंटें बना रहे हैं लोग। गाँवों में आज भी इस तरह के कच्चे मकान कायम हैं, जिन लोगों के पास पैसा आ जाता है वो लोग मतलब अपना मकान कच्चे से पक्का करते चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की माली हैसियत कमज़ोर होती है वो लोग आज भी कच्चे मकानों में गुजारा करते हैं। अब इस मकान में ये चाचा हैं अंदर चले गए, और ये आंटी जो हैं, इनसे मैंने लगभग आधा घंटा बात की, और इन्होंने मुझे गाँव के बारे में बहुत सारी बातें बताईं, इसके बारे में कि इनका मॉब सोर्स क्या है, और मतलब गाँव में क्या काम ज़्यादा होता है, खेती किसानी में क्या होता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। बीड़ी बनती है पूरे गांव में 80% लोग, मैं तो बता रहा हूँ 80, वो बता रहे हैं 100% बता रहे हैं वो, कि 100% बीड़ी बनती है इस गांव में। तो देख सकते हैं आप, इस तरह के घर कच्चे, और पीछे ये तालाब है, एक ये तालाब होगा, इसके ही किनारे बस्ती बसी होगी, ये जब यहाँ पर बसी का स्टार्ट हुई होगी तो इस तालाब के किनारे ही लोगों ने अपने बसेरे डाले होंगे, और ऐसे ही ये गाँव बन गया। भाई शादी के लिए सजा हुआ है एक घर गांव के ही अंदर, और ये दो स्पीकर लगे हैं, और ऊपर इसके एक लगा है भाई स्पीकर। और ये भैया किस लिए लगाए हैं ये बजेगा कवाली बजेगा। अच्छा, शादी है यहाँ, शादी में कवाली होता है, और बाजे में। अच्छा, बाजे में, तो शादी आज है कल है? कल है। तो यहाँ शादी में खाने में क्या चीज़ होती है? वलीमा जैसे होता है, तो वलीमे में क्या खाना होता है? नहीं, आपने खाया तो होगा फिर भी वलीमा किसी का? गोश्त रोटी चावल होता है। अच्छा, मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये होते हैं गांव के असली वाइफ, बिना टेंशन फ्री होके बच्चे किस तरह से खेलते हैं, घूमते हैं। ये देखिए पीछे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो ये होते हैं भाई असली वाइफ, गाँव जगह होती है भरपूर। शहरों में क्या है, आदमी भाई तरबों में रहता है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं जो विलेज में रहते हैं, तो फ्लैट में रहता है आदमी और फ्लैट का ही होकर रह जाता है। लेकिन गाँवों में जहाँ दिल करे वहाँ घूमो भाई, और गाँवों में घूमा यार, काफ़ी लोगों से मिला, मुझे भी बड़ा मज़ा आया घूम के। पश्चिम से लेके पूरब तक चल रहा है, तो मैंने सोचा ट्राई करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सब बच्चों का। तो आप सब यहीं के ही हो, लोकल है? अच्छा, रोज खेलते हो ये गेम है? स्कूल जाते हो ना पढ़ने के लिए? कौन मदरसा सब जाते हैं? स्कूल मदरसा सब जाते हो। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? ऑफिसर। अच्छा जी, आप IPS? और क्या बनोगे बड़े होके बताओ? आर्मी। अच्छा जी, बच्चों ने खेल लिया है भैया, बोले चैनल का नाम बताओ। यूट्यूबर। अरे ना भैया, यूट्यूबर क्या, बस ऐसे ही घूम रहा है।
मजे ले रहा है लोग, ये है चैनल, ठीक है। लो भैया ये है चैनल, तो देख लो भैया ये सब बच्चे जो हैं सब ने खेल लिया है। बोले भाई चैनल का नाम बताओ, ये देखिए। थैंक यू सो मच भैया सबका प्यार देने के लिए और डंडा बल्ला मरवाने के लिए। तो अब ब्लॉग एंड करने का नंबर आ गया है भाई। जब मैं इलाहाबाद से निकला था तो इतना खुश नहीं था, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिला और जगह जगह प्यार मिला और नए लोगों से मिला, नए लोगों से बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की भाई। तो आप घर से निकलो, खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमने दो गांव घूमे और आसपास के एरिया क्षेत्र और देखा इनकम ऑफ सोर्स क्या है और यहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। वीडियो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। तो काफ़ी मज़ा आया यार घूम के, सच में एक अजीब सी खुशी मिलती है इंसान को जब नए लोगों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है और एक अलग ही तरह का मतलब प्यार मिलता है, मज़ा आता है यार सब ये। तो बहुत मज़ा आया यार, जब घर से निकला था तो इतना खुश और इतना एक्साइटेड नहीं था, लेकिन अभी आपको चेहरे पे दिखाई दे रही होगी किस तरह से लोग मिले बहुत सारे। एक उनसे चाचे से बात की लगभग भाई आधा घंटा, और अभी भी भैया बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी भैया, हाँ हाँ बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दिया हमारा। हाँ। अभी और हो जाएगा, अभी हम लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। पढ़ाई लिखाई करना अच्छे से, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ बनो और देश के लिए काम में आओ, है ना, अच्छे तरीके से। जी जी। हाँ, क्या बनोगे बड़े होके? IAS PCS। हाँ भैया, आपका भी चैनल है? तो भैया इस तरह से खुशियाँ मिलती है ना, ये छोटी छोटी, तो बड़ा मजा आता है यार। ये बच्चे किस तरह से मिल रहे हैं और गिर रहे हैं। बेटा यूट्यूबर मत बनना कोई भी, समझे, ठीक है। अपने करियर पे फोकस करना, किसी भी कोई भी एक गोल बनाओ, ठीक है, और उस पर काम करो अच्छे तरीके से, है ना। और पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ाई लिखाई कभी मत छोड़ना। पढ़ाई लिखाई आपके ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी आपके कहीं ना कहीं पे हर जगह पे काम में आएगी, ठीक है। तो मैं वीडियो को अपने एंड कर रहा हूँ, ठीक है, और जा भी रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, मैं आपके गाँव में आया, आप लोगों से मिला, सब लोगों से मिला, बातचीत की। तो भैया आप वीडियो का एंड करते हैं और बारिश आने लगी हल्की हल्की, तो थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके ओके, बाय। बोलो बाय। नाम बताओ अपना। दिलसार। और साबान। तो सभी से मिल लिए हैं भाई ये अभी। हाय गाइस। हाँ, आपका नाम क्या है भैया? भाई सिर्फ शाहिद अली। शाहिद अली, आप क्या करते हो, कौन से क्लास में हो? क्लास 11। तो क्या चल रही है आगे की तैयारी, क्या है आगे के? है NDA या सोचे हैं क्रैक करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर मतलब किस लाइन में बंदे ज्यादा हैं पढ़ाई लिखाई में, मतलब क्या ज्यादा बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं क्या? UPSC और JEE। UPSC और JEE की तैयारी के लिए। JEE जो होता है, JEE वो मतलब जमीन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, अच्छा। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भैया आप चलते हैं, बाय बाय।